स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो आज आपका टेस्ट पेपर दिया है आपने, उसका डाउट सेशन जो है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। हम लोग फास्टली सभी क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर डिस्कशन करते चलेंगे और फटाफट जो उसके आंसर आएंगे उसको लेते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। आइए, आज आपका जो डाउट, ये जो क्वेश्चन का आपने जो टेस्ट दिया है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विच पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज अकॉर्डिंग टू गिवेन सेंटेंस। महेश वॉक स्लोली एंड बिकम्स टायर्ड, यानी हाँ वो फटाफट अगर ये हो रहा है तो देखिये इसका आंसर जो है वह, यानी ये जो इसका आंसर है वह डी है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी सिम्टम्स दिए हुए हैं, जितने भी ऑप्शन दिए हैं, चाहे ए हो बी हो, अगर महेश तुरंत चल के थक जाता है मतलब उसमें किसी मिनरल की या किसी, जब आदमी का बॉडी वीक होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो तुरंत थकेगा, ये एक हेल्दी पर्सन का सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देयर इज अपीयरेंस ऑफ स्केली लीजन ऑन स्किन, ओके ऑब्वियस सी बात है। और परेश इज सफरिंग फ्रॉम वोमिटिंग भी एक डिजीज का सिम्टम्स है, तो ये सारे जो है उसके रिलेटेड हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 का देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि व्हाट इज लोकेशन ऑफ सालमोनेला टाइफी ड्यूरिंग डिजीज कंडीशन। सालमोनेला टाइफी का लोकेशन क्या होता है कि जब ड्यूरिंग डिजीज कंडीशन हो जाता है, ठीक है। तो टाइफी मतलब टाइफॉइड, तो यह इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा जो है वह सर्वाइव करने वाला है, तो यानी कि इसमें आप याद रखिए इंटेस्टाइन को, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। विच टेस्ट इज कैरिड आउट ऑफ डिजीज इज अकर्ड बाई सालमोनेला टाइफी। तो सालमोनेला टाइफी के लिए कौन सा टेस्ट जो है वह हम लोग कैरिड आउट करते हैं, तो सालमोनेला टाइफी के लिए विडाल टेस्ट, ये टेस्ट का नाम ही है, विडाल टेस्ट ही जो है वह सालमोनेला टाइफी के लिए यूज होता है, जो कंफर्म करता है कि यह पर्सन जो है वह इस डिजीज से सफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जनरली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कॉज इज निमोनिया, बट विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। एक बैक्टीरिया का नाम दे दिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। आप जानते हैं कि निमोनिया में हमने आपको दो बैक्टीरिया का नाम लिखाया था, ठीक है। एक बैक्टीरिया का नाम सालमोनेला टाइफी और दूसरे बैक्टीरिया का नाम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, दोनों का नाम हम आपको दे चुके हैं। तो इसमें हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये आपको नोट्स में भी हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है। मेरे पास भी जो पेपर है उसका सॉफ्ट कॉपी ही है, हार्ड कॉपी मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसी से आपको फटाफट यहाँ पर करवा रहे हैं। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है कि छगन भाई इज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड देन विच इज काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो छगन भाई जो है सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो वो किस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, फीवर के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वह रिस्पॉन्सिबल है। देखिए फीवर जो है ज्यादातर ये चारों जो है वह मलेरिया के जो है वह पैथोजन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरा, ठीक है। ऐसे तो ये सभी जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरिया और फाल्सिपेरम, तो इसका आप इसमें आंसर जो है अगर ऐसे देखा जाए तो आप सी भी कर सकते हैं और आप मोस्टली डी भी कर सकते हैं, तो ये दोनों हो सकता है। उसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 96 में, ड्यूरिंग ऑफ फीवर अकर्ड बाय प्लाज्मोडियम मलेरी इज, ड्यूरिंग फीवर अकर्ड बाय प्लाज्मोडियम मलेरी इज, ड्यूरेशन ऑफ फीवर अकर्ड बाय प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया में
फीवर का रिकरेंस जो है वह कब होता है, तो फीवर का रिकरेंस जो है इसमें एवरी 72 आवर, सबका रिकरेंस हम लिखा चुके हैं 97। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, यस क्वेश्चन नंबर 97, फ्रॉम विच काइंड ऑफ होस्ट लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पासेस, तो प्लाज्मोडियम का कौन सा लाइफ साइकिल जो है वह पास होता है। देखिए प्लाज्मोडियम का ह्यूमन से फीमेल एनोफिलिक मॉस्किटो में जो मतलब कि कहने का मतलब क्या जानते हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ह्यूमन के आरबीसी में, और वही गैमेट जो है यानी उस साइड के फॉर्म में क्या होता है, हो जाता है प्लाज्मोडियम में। तो यहाँ ह्यूमन एंड मेल एनोफिलिस फ्रॉम विच काइंड ऑफ होस्ट लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पासेस, तो ह्यूमन एंड फीमेल एनोफिलिस, ह्यूमन एंड फीमेल सेवन का 97 का सी, तो ये ह्यूमन एंड मेल एनोफिलिस, देखिए इसमें दो के आंसर जो है मुझे करेक्ट कराने होंगे। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 99, द स्फेरिकल फॉर्म ऑफ मेट्रोक्रिप्टो मेजॉइड इज कॉल्ड, दी स्फेरिकल फॉर्म ऑफ मेटाक्रिप्टो मेजॉइड इज कॉल्ड। देखिए मेटाक्रिप्टो मेजॉइड, मेजॉइड मतलब गैमेटिक फॉर्म के लिए हुआ, तो इसके लिए जो है वह इसका आंसर आए सी, प्रोफोजॉइड। ये हो गया 98 का जो है वो, ओके 98 अभी बाकी है, 1 मिनट। जी सर, हाँ सर, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 98 में वो पूछ रहा है कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, तो मलेरिया के लिए सिर्फ फीमेल एनोफिलिस, ठीक है, वो जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है, तो ये फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस 99 अभी हम लोग डिस्कस किए थे, तो ट्रोफोजॉइट जो है वह प्रोफोजॉइट्स इसका ये आंसर है। व्हाट इज इम्प्रॉपर फॉर रिंगवॉर्म डिजीज, रिंगवॉर्म डिजीज में क्या क्या इम्प्रॉपर होता है, तो रिंगवॉर्म डिजीज में अगर हम इम्प्रॉपर की बात करें तो देखिए चारों ऑप्शन को, इट इज डन बाय ट्राइकोफाइटॉन फंगाई, बाय कॉन्स्टेंट इचिंग, हाँ इचिंग तो होती है, लेजन गेट्स एक्सपेंडेड, इम्प्रॉपर मतलब कि नहीं होगा, इट इज डन बाई यूजिंग इन्फेक्टेड पर्सन फॉर्म, हाँ होता है उसके थ्रू भी, और ट्राइकोफाइटॉन फंगाई से होता है, तो ये वन ऑप्शन भी, ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इट इज डन बाई सेक्रेशन ऑफ सेक्रोटोनिन केमिकल, ये नहीं होता है इसमें, तो आप रिंगवॉर्म खोल के देखेंगे ये सारा चीज हम फॉर्म टॉवेल इवन सेम ब्रश वगैरह या टॉवेल का सेम क्लॉथ का ये सारा चीज यूज करने के लिए मना किया, कंघी कॉम का भी यूज करने के लिए मना किया हुआ है उसमें, तो यहाँ पर डी जो है ये ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं होता है या ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन, ऐसा कोई कंडीशन नहीं, इसलिए यह अलग है। अब 101 में आइए, इन फिगर व्हाट इज इंडिकेटेड बाय पी, ओके फिगर पी में आपको पूरा का पूरा हमने एंटीबॉडी का जो है वो स्ट्रक्चर बना करके सारा चीज जो है वो आपको हमने दिखा रखा है, तो आप उस फिगर को फिर से देखेंगे, तो दिस इज द डाइसल्फाइड
ये जो पी है यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो एस एस से ऐसे इसको इंडिकेट करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको इस तरह से अटैच करके दिखाया होगा, तो आप याद करेंगे इस तरह से, और यहां पर भी हमने ये और ये और ये ऐसे किया था, तो दिस इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इसमें डाई, डाई मतलब टू, और सल्फर होता है तो डाइसल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। अब 102 में आइए, 102 का मतलब क्या कह रहा है, 102 गिव द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु आर कंसर्न विथ इंटरफेरॉन वर्ल्ड, ठीक है, इंटरफेरॉन वर्ल्ड के साथ कौन से साइंटिस्ट जो है वह कंसर्न है। देखिए ऐसे साइंटिस्ट का नाम नहीं रहता है, हो सके मैं आपको ये साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया हूं, ठीक है, तो आप डोंट बी पैनिक, जनरली अब किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछता है, लेकिन ये पेपर कंटिन्यू सेलेक्ट किए हैं तो इस वजह से ये आपको आया है, ठीक है। तो ऐसे इसका जो जनरली जो मतलब है इसमें पूछ दिया है, तो इसका जो है आपका जैसे ऑप्शन दिया है वाटसन एंड क्रिक, फिर आपको दिया है पुराना और लुईस पाश्चर नहीं, तो आप थोड़ा सा वाटसन एंड क्रिक डीएनए में आता है, और गोविंद खुराना डीएनए में, लुईस पाश्चर बैक्टीरिया के लिए, तो बचा कौन, इलिप इजैक एंड जैन लिंडेमैन। तो आप सोचेंगे सर आप बताए नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं यहाँ पर, अगर बाकी चीजें याद है तो यहाँ पर ये हो गया इसका डी। एट विच टाइम इंटरफेरॉन इज सिक्रेटेड, कौन से समय में इंटरफेरॉन जो है वह सिक्रेट होता है, तो इंटरफेरॉन जो है वह किस समय में, तो व्हेन आवर बॉडी सेल आर इन्फेक्टेड बाय वायरस। तो इसका भी ये आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं, 103 आप जानते हैं इसमें डी हो जाएगा, ठीक। अब आइए इधर 100 04 100 04, विच इज द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल विच इज फॉर कंट्रोलिंग द स्प्रेड द डिजीज काउज बाय मॉस्किटो। ये जो है वो आपका मॉस्किटो से काटने के बाद कौन कौन सा जो है, यानी मॉस्किटो को हम लोग काटने से जो डिजीज होता है ऐसा क्या करें जिससे मॉस्किटो का नंबर कम होगा, आपको हम बता चुके हैं, जैसे सिसलाई गोम्बुसिया ये सब क्या करते हैं, मॉस्किटो के नंबर को कम करते हैं। तो यहाँ पर गोम्बुसिया ये क्या करते हैं, मॉस्किटो के लार्वी को खाते हैं, ईट मॉस्किटो लार्वी, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। 105 में आइए, गिव द लोकेशन ऑफ आईजीजी, आईजीजी का लोकेशन कहाँ होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आईजीजी का लोकेशन जो है वह यानी कि आईजीजी जो है जनरली वह ब्लड में होता है। उसके बाद 106, गिव द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, तो ये पूरा का पूरा पढ़िए, सलाइवा स्पोरोजॉइट्स ब्लड लिवर, यानी कि पूरा का सीक्वेंस आपको देना है वो इरिथ्रोसाइट साइकिल में, कि कैसे पहले इरिथ्रोसाइट में जाता है, लीवर में जाएगा, लीवर से कैसे फिर इरिथ्रोसाइट में जाएगा, और इरिथ्रोसाइट में जाकर के अपना गैमेट का फॉर्मेशन करके तब किसमें फीमेल एनोफिलीज में इंटर कर जाता है। तो उसी पूरे सीक्वेंस को अगर आप देखेंगे और जो आपको मैंने पूरा साइकिल दे रखा है तो आपको इसमें मिलेगा, तो सलाइवा कहां स्पोरोजॉइट, उसमें स्पोरोजॉइट होता है, फिर यानी स्पोरोजॉइट्स और ब्लड से लीवर में आया, ब्लड के थ्रू कहां पहुंचा है, तो हमारे लीवर में, लीवर से क्रिप्टो सीजोन और क्रिप्टो मेरोजॉइट्स, मेरोजॉइट्स का मतलब हो गया कि उसका गैमेटिक से जो ट्रांसफर होता है, तो ये एक चीज हो गया। फिर उसके बाद में देखिए सारे चीज जब देखेंगे तो सलाइवा क्रिप्टो सीजोन, ब्लड से लीवर, लीवर से स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट से क्रिप्टो मेरोजॉइट्स, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसका आंसर सी कीजिए। आपको मान ली कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा कि क्रिप्टो सीजोन और फिर स्पोरोजॉइट्स के बाद में आया है क्रिप्टो मेरोजॉइट्स, क्रिप्टो सीजोन जो है वह
फीमेल एनोफिलीज में जब सलाइवा में मिक्स रहता है, फीमेल एनोफिलीज के सलाइवा में जिस फॉर्म में मिक्स है, तो वहां पे उस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टोसिजोम। और जब हमारे आरबीसी में गैमेट बना और तब वो गैमेट फीमेल एनोफिलीज में ट्रांसफर होने के लिए जब वो काटेगी फीमेल एनोफिलीज तो उसमें जाएगा, तो उस स्टेज को यानी उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोमेरिजॉइड्स। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। उसके बाद में आइए 17 के बाद में विच इज ऑड, इसमें कौन सा ऑड है। ओपियम पॉपी गिव प्लीजेंट फीलिंग, ये लास्ट वाला टॉपिक अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, जो अभी दो दिन पहले हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है, तो शायद आप इसका बहुत आसानी से आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, कैनाबिस सटाइवा गिव पेन, फिर उसके बाद ऑड वन कौन सा है, कैनाबिस सटाइवा पेन को कम करता है ना कि पेन देता है, तो आप इसका थोड़ा सा याद रखिए। कैनाबिस सटाइवा जो है इसमें जो दिया है वो ऑप्शन ये ऑड वन है, जबकि क्यों ऑड है, तो कैनाबिस सटाइवा पेन से रिलीफ देता है, क्यों, क्योंकि सीएनएस एक लेजेंड काउंट करता है इस वजह से। ठीक है, विच वन इज ऑड, जैसे सीरीज में आइए मलेरिया निमोनिया एड्स एंड टाइफाइड। अब यहां पर आप खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं कि ये इसमें जो है वो कौन सा अलग है, तो एचआईवी एड्स अलग है, ये यहाँ पर सिर्फ एचआईवी एड्स जो है वो सिंड्रोम है और दूसरा चीज की यह वायरल डिजीज है। विच वन इज ऑड, जैसे कैनाबिनॉइड गांजा चरस और स्मैक, ये सब में कौन सा ऑड वन है, तो ये सब में ऑड जो है वो आपका डी हो जाएगा स्मैक, क्यों, क्योंकि गांजा और चरस ये इससे हैं, कैनाबिनॉइड से हैं, स्मैक अलग है, तो इसमें स्मैक हो जाएगा किसमें, क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग आ गए हैं ये 11 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 19 हो गया था, 100, 9, 110 किया हम लोगों ने और 111। ठीक है, 111 में आप देख लिए, फिर है विच वन इज ऑड, कैनाबिनॉइड मैरिजुआना गांजा और मॉर्फिन। आपको ये एकदम इतना इजी क्वेश्चन है कि आपको बस थोड़े थोड़े जो लास्ट के टॉपिक को अच्छे से रिकवर किया होगा, रिवीजन किया होगा, तो आपको फटाफट लग जाएगा। तो जैसे मॉर्फिन, ठीक, उसके बाद में आया अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन विच वन इज ऑड, ये सब एकदम इजी क्वेश्चन है, आप ये कर सकते हैं। मार्क ऑड वन, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, कैंसर ऑफ लंग, कैंसर ऑफ स्टमक, कैंसर ऑफ मसल्स, ये सारे जो है तीन जो है यहाँ पर कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, कैंसर ऑफ लंग्स, कैंसर ऑफ स्टमक और कैंसर ऑफ मसल, जैसे सार्सिनोमास और सार्कोमास, ये सार्सिनोमास और सार्कोमास जो है तो अलग अलग हमने बताया था, तो एक एपिथेलियल के लिए और दूसरा मेजो डर्मल सेल के लिए, दो अलग अलग जगह पे, दो अलग अलग साइड पे क्या होते हैं, ये कैंसर होते हैं, तो यहाँ पर जो ब्रेस्ट है वो एकदम अलग है बाकी सबसे, तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अलग है, तो यहाँ पर 114 का हो जाएगा ए, क्योंकि अब ब्रेस्ट कैंसर है। मार्क ऑड वन, कैंसर ऑफ बोन, कैंसर ऑफ कार्टिलेज, ये भी इजी क्वेश्चन है। मार्क ऑड वन म्यूकस सलाइवा, मार्क ऑड वन, ये सब क्वेश्चन एकदम इजी है, म्यूकस सलाइवा टीयर और एसिड, आप जान रहे हैं कि एसिड अलग है। मार्क ऑड वन बर्निंग सेशन इन इंटेस्टाइन, बर्निंग सेशन इन एल्वियोलाई, हेडेक, इंक्रीज इन साइज ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, ये एकदम अलग है। मार्क ऑड वन, मार्क ऑड वन, ये सब क्वेश्चन एकदम आपको तुरंत फटाफट सारे चीज को रिकवर। अब आइए सीधे क्वेश्चन नंबर 122, ठीक, 122 में आइए, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो काफी इजी दिए हैं, वो फटाफट आपको हो सकते हैं। 122 में क्या कह रहा है हमारा, कि व्हाट इज कॉल्ड डिजीज अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, तो बॉडी और बॉडी पार्ट दैट ऑब्स्ट्रक्ट द फंक्शन ऑफ देम, द बैड परफॉर्मेंस ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट विद सम पर्टिकुलर सिम्टम्स, एनी फिजिकल और एक्सटर्नल चेंजेस,
एनी फिजिकल और एक्सटर्नल चेंजेस के वजह से जो है वो चेंजेस फ्रॉम नॉर्मल कंडीशन नहीं। देखिए सी और डी तो होगा नहीं, अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है ए और बी में। द बैड परफॉर्मेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स विथ सम पार्टिकुलर सिम्टम्स, और दूसरा कह रहा है कि बॉडी और बॉडी पार्ट दैट ऑब्स्ट्रक्ट द फंक्शन ऑफ देम। ऑब्स्ट्रक्ट द फंक्शन ऑफ देम का मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा है या काम स्लो कर दिया है, तो दैट इज द एक्चुअल डेफिनेशन। तो इसका जो है वह बी हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि सर ए क्यों नहीं हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मिनरल्स या कुछ कंपोनेंट रॉ मटेरियल की वजह से ही हमारा लीवर बाइल बना रहा है, लेकिन उसको क्या चाहिए बाइल जूस बनाने के लिए, तो बाइल जूस बनाने के लिए उसे एरिथ्रोसाइट या डेड एरिथ्रोसाइट चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो वो कर पाएगा क्या? नहीं, वो नए ग्लूकोज को बनाता है किससे? प्रोटीन और लिपिड से। तो प्रोटीन और लिपिड नहीं मिलेगा तो बनाएगा क्या? नहीं। लेकिन तो वो डिजीज नहीं हुआ, लेकिन अब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, यानी उसमें कुछ इनलार्जमेंट हो गया था, ज्यादा बाइल बनाए तो वो डिजीज है, जैसे जॉन्डिस का। या फिर लीवर कम सेक्रेशन कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके सेल डेड हो गए, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। तो इस बेसिस पर इसका आंसर ये। अब आप ए और बी में क्यों ऐसा होगा ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का मतलब 123, ठीक है। 123 हमारा क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस विच वन इज एप्रोप्रिएट फॉर निमोनिया। निमोनिया के लिए कौन सा सेंटेंस जो है वो एप्रोप्रिएट है? द बर्निंग इज फेल्ट इन एल्वियोलर वॉल, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ विंड पाइप, पेन इन इनहेलेशन, कफ एंड हेडेक आर सीन, इनक्यूबेशन पीरियड इज 1 to 3 days। सारे चीजों को जब आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन से जो है वो प्रॉपर है, तो पी क्यू और आर और एस ये चार सिम्टम्स। जैसे बर्निंग इज फेल्ट इन एल्वियोलर वॉल, तो निमोनिया अगर होता है तो ये क्योंकि बर्निंग इज फेल्ट इन एल्वियोलर वॉल, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ विंड पाइप में ऑब्स्ट्रक्शन होगा जब ज्यादा हो जाएगा तब, तो पेन इन इनहेलेशन कफ ये तो है ही, इनक्यूबेशन पीरियड वन टू थ्री डेज होता ही है, तो इसमें ऑल, इसमें आप ऑल कर सकते हैं, पी क्यू आर एस PQR प्रॉपर एंड आर नहीं, सभी प्रॉपर नहीं है, PQR S प्रॉपर एंड S इज इम्प्रॉपर, S तो इम्प्रॉपर हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन देखिए A एंड B, ये दोनों ऑप्शन ही गलत हैं। अब बचा आपके पास C और D ऑप्शन, ठीक। अब C को देखिए, C में क्या करा है कि PQR प्रॉपर यानी ऊपर का PQR प्रॉपर और R और S जो है वो इम्प्रॉपर, तो ये तो जो है वो P एंड Q प्रॉपर हो सकता है, लेकिन यहां पर देखिए R एंड S इम्प्रॉपर नहीं है, ये सही है, तो उसके हिसाब से फिर आंसर चलेंगे तो D। तो ये हो गया हमारा आंसर इसमें D। आइए, विच इज हेरिडिटरी मटेरियल इन विट्रो वायरस, हेरिडिटरी मटेरियल इन रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो आप जानते हैं आरएनए होता है 124, तभी तो उसको एचआईवी एड्स में मैंने पूरा इसको पढ़ाया है, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। अब आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। वन ट्वेंटी फाइव क्या कह रहा है, अनक्लियर प्रोडक्ट ऑफ हीरोइन, ठीक है, स्मैक इज अनक्लियर प्रोडक्ट ऑफ, ओके, कौन ऐसा जो है वह हीरोइन का अनक्लियर प्रोडक्ट है? अनक्लियर प्रोडक्ट हमने बताया था कि जैटमिन क्या हो गया, पुअर मैन ऑफ स्मैक को हम लोग लिखे थे, स्मैक इसको हम लोग बोलते हैं पुअर मैन हीरोइन, गरीब आदमी का हीरोइन यही है, ठीक, तो इसीलिए यह अनक्लियर प्रोडक्ट है। अब 126, विच वन इज मैच विथ एलएसडी,
एलर्जी से कौन लिसर्जिक लिसर्जिक एसिड डाइएथेलामाइड इसको जो बोलते हैं। तो ये एलर्जी जो है वह फंगाई से, बैक्टीरिया से, वायरस से या फिर प्रोटोजोन से रिलेटेड होता है। तो ये फंगाई से एलएचडी, ये फंगाई से होता है क्योंकि क्लाइविस से परप्यूरियस थोड़ा याद करेंगे तो आपको आगे मिलेगा, हमने पढ़ाया है। अब आइए 27। व्हाट इज फाउंड ड्यूरिंग इनेट इम्यूनिटी, ये क्वेश्चन इजी है। इन विच डिजीज प्रिपेयर एंटीबॉडीज आर इंटर, इन विच डिजीज प्रिपेयर एंटीबॉडीज आर इंटर, चिकन पॉक्स, टीबी, कोल्ड और रेबीज। प्रिपेयर एंटीबॉडीज हम लोग किसमें लेते हैं, तो प्रिपेयर एंटीबॉडी जो है खास करके हम लोग रेबीज में लेते हैं, जब कुत्ता हमें काटता है तब। क्यों? क्योंकि जितना टाइम हमारे बॉडी जितना डिले करेगा एंटीबॉडी बनाने में, तब तक ये जाकर के हमारे बॉडी में डिजीज कर देगा। तो इसी चीज से बचने के लिए हम लोग रेबीज का क्या लेते हैं, तुरंत जब भी कुत्ता काटता है तो एंटीबॉडी, इसका प्रिपेयर एंटीबॉडी। देखिए रेबीज में सांप काटने पर ये सब प्रिपेयर एंटीबॉडी है, जिसे आप एंटी विनोम भी कहते हैं, या फिर कोई भी बिच्छू वगैरह काट ले, या फिर आप टेटनस में जो लेते हैं वह भी एंटीबॉडी ही है, प्रिपेयर एंटीबॉडी होता है। तो इसमें ये आपका हो गया। व्हाट इज रीजन फॉर काउजिंग एड्स, एड्स को काउज करने के लिए कौन से रीजन हैं? तो आप जानते हो कि एड्स किस वजह से होता है, पूरा ये क्लियर है। तो एड्स जो है जैसे इसमें दिया है, व्हाट इज रीजन फॉर काउजिंग एड्स, एड्स का मतलब एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम को खत्म, सिंड्रोम यानी डेफिशिएंसी करता है किसका, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। कैसे? तो टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉइंग टी हेल्पर सेल, ठीक है। तो इसका मेन काम जो है टी हेल्पर सेल को है, क्योंकि टी हेल्पर सेल जो है वो क्या करता है, बी सेल को मदद करता है, किसमें, बी प्लाज्मा में और बी मेमोरी में। बी प्लाज्मा का काम क्या है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराना। तो जब ना ये नहीं रहेगा तो ये सिग्नल ही नहीं जाएगा, तो एंटीबॉडी ही नहीं बन पाएगा। एंटीबॉडी नहीं बना डेट मीन्स बॉडी का इम्यूनिटी खत्म, ये बात को ध्यान रखिए। तो ये टी हेल्पर सेल को खत्म करता है, यानी कि आप सबसे पहले कहां एंटर करता है, तो सबसे पहले मैक्रोफाज में जाता है। मैक्रोफाज को फैक्ट्री ऑफ एचआईवी वायरस बोलते हैं, वो एचआईवी वायरस का क्या है, तो वह फैक्ट्री है। ये कौन सा हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है अभी, ओके क्वेश्चन नंबर 129। अब क्वेश्चन नंबर 130, फ्रॉम व्हाट नियोप्लास्टिक इज जनरेटेड। नियोप्लास्टिक टर्म जो है वह कैंसर के लिए है, तो कौन जो है वह नियोप्लास्टिक को जेनरेट करता है, एक्स रे, वाई रे, यूवी रे और डीएनए, ठीक है ना। फ्रॉम व्हाट नियोप्लास्टिक इज जेनरेटेड, तो यहां पर ये सभी नियोप्लास्टिक को कौन जेनरेट करते हैं, तो आप जान जाओ कि कैंसर किस वजह से, तो जनरली म्यूटेशन के वजह से, और म्यूटेशन कहां, तो म्यूटेशन डीएनए। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो डीएनए हमारा क्या है, तो वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। पूरा का पूरा म्यूटेशन जो है वो आपको जेनेटिक्स में, नहीं तो फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग में से कोई भी एक आदमी आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो दो में से किसी भी एक टॉपिक में यह डिस्कस होता है, वहां पर आपको पूरा डिटेल डिस्कस चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो 131 क्या कह रहा है, फ्रॉम व्हाट लिसर्जिक एसिड इज फॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है। विच वन इज राइट सीक्वेंस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो, कौन सा सीक्वेंस जो है वह
मेनोफिलिन मॉस्किटो के लिए करेक्ट राइट सीक्वेंस में है। आप याद कीजिए वहां पे साइकिल जो हम लोग बनाए थे, तो गैमेटोसाइट, गैमेटोसाइट से ऊकाइनिड, ऊकाइनिड से ऊसीज और तब एस्पोरोजोइट्स बनता है। तो दिस इज द कंप्लीट, ये उसका लाइफ साइकिल है। तो जो गैमेटोसाइट क्या था, गैमेटोसाइट कहां बना था, गैमेटोसाइट आरबीसी में। आरबीसी से कहां गया था, तो ये गया था फीमेल एनोफिलिज में इंटर किया, फीमेल एनोफिलिज में इंटर करके और तब वहां पे क्या बनता है, ये ऊकाइनिड। फंगाई वगैरह सब में ऊकाइनिड आप पढ़े होंगे, और तब वहां से ये क्या बना, तो ये बन गया ऊसिस्ट, और ऊसिस्ट से फिर क्या हो गया, ये बन गया स्पोरोजोइट्स। ठीक है, अब आइए जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इन मैक्रोफाज इन जेनरेटेड इन डीएनए बाय विच एंजाइम। आप जानते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज 42, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्यों ऐसा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इन मैक्रोफाज इज जनरेटेड बाय डीएनए, फाज इज जनरेटेड इन डीएनए बाय विच एंजाइम, तो डीएनए पॉलीमरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या है, जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो वहां पर आएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो वहां पर आएगा डीएनए पॉलीमरेज। ओके, अब आइए क्वेश्चन, ये हो गया हमारा 133 तक कंप्लीट किए, उसके बाद में 134 में विच प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग हैलुसिनेशन। ठीक है, ये आपको है, उसके बाद इसका आंसर देख लेंगे, डाउट रहेगा फिर भी आप सेंड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 135 क्वेश्चन देखिए कि बिकॉज ऑफ स्मोकिंग विच काइंड ऑफ चेंजेज अकर्स इन ब्लड। स्मोकिंग करने की वजह से किस तरह के हमारे ब्लड में चेंजेस देखने को मिलता है। तो जब हम स्मोकिंग करते हैं तो प्रोपोर्शन ऑफ CO2 डिक्रीज इन हेमोग्लोबिन ऑल्सो CO2 डिक्रीज। ठीक है, नहीं, CO2 डिक्रीज नहीं करेगा। फिर आइए प्रोपोर्शन ऑफ O2 डिक्रीज नहीं, ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखिए, प्रोपोर्शन ऑफ CO2 इंक्रीज एंड इन हेमोग्लोबिन प्रोपोर्शन ऑफ O2 डिक्रीज। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 उसका प्रोपोर्शन बढ़ता है, O2 का प्रोपोर्शन घटता है। इसीलिए स्मोकिंग करते समय ज्यादातर हम थकावट महसूस करते हैं क्योंकि प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं जाता है, लेकिन जो हैबिट्यूटेड हो जाते हैं उसको कुछ नहीं लगता है। ओके, तो यहां पर ये 135 का डी में क्या कह रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ CO2 इंक्रीज। हाँ, जब आप ले रहे हैं अंदर की ओर खींचते हैं ना, तो अंदर से तो उसमें सिगरेट का जो स्मोकिंग अंदर जाता है तो उसे CO2 इंक्रीज करता है। जब भी CO2 का बढ़ना यानी O2 का घटना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में थोड़ा सा आप याद करेंगे तो समझ में आएगा। अब नेक्स्ट आइए देखिए इधर 37 गेट रीड ऑफ अल्कोहल और ड्रग देन विच काइंड ऑफ डेफिशियंसी अकर्स इन दैट पर्सन। एक्चुअल में थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वह जेनेटिक्स से रिलेटेड है, समझे ना। तो ऐसे इसका क्राइडुचैट सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम ये सब जेनेटिकल डिजीज है। जेनेटिकल डिजीज जो है वह हम लोग कहां कंप्लीट करेंगे, तो ये हम लोग जेनेटिक्स में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये क्राइडुचैट सिंड्रोम में है, फ्रॉम विच प्लांट एंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ डेट प्लांट
कोकिन ड्रग इज ऑप्टेन, कोकिन ड्रग हम लोग कहां से ऑप्टेन करते हैं, तो कोकिन ड्रग हम लोग कहां से ऑप्टेन करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तो इरिथ्रोजाइलम कोका लीफ। ठीक है, पापा का समीकरण कौन, हाँ कोकी कोका लीफ, कैफीन कोकीन ये सब जो है वह कोका लीफ से दिया हुआ है। ठीक है, तो पापावर सोमनीफेरम लीफ नहीं, इरिथ्रोजाइलम कोका लीफ से, हाँ इसका आई थिंक इरिथ्रोजाइलम कोका लीफ ही होना चाहिए, और इरिथ्रोजाइलम कोका लीफ, हाँ कोकीन टी के लिए हमने बताया था टी लीफ से लेते हैं तो वह निकोटीन था, फिर कोका ये कैफीन और कोकीन ये जो है वह इरिथ्रोजाइलम कोका लीफ से आएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग 137 यानी ये कोका लीफ होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टेजियस डिजीज टाइफाइड और नॉन कॉन्टेजियस डिजीज, टाइफाइड जो है वो कॉन्टेजियस है, नॉन कॉन्टेजियस डिजीज तो एड्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया और कैंसर, इसका भी आंसर मुझे बताना पड़ेगा, आई थिंक मुझे नहीं बताना पड़ेगा। 138 आइए देख लीजिएगा, जहां तक कैंसर ही होगा लेकिन फिर भी आपको डाउट है तो आप सेंड कर सकते हैं। कोल्ड रिनोवायरस, कोल्ड रिनोवायरस मतलब जिससे हमें ये होता है सर्दी जुकाम ये सब जो होते हैं वो सब कोल्ड रिनोवायरस से हैं। तो अब इसमें दिया है कोल्ड के लिए कौन वायरस होता है, तो रिनो वायरस, एचआईवी के लिए कौन वायरस होगा, ऑब्वियस सी बात है रेट्रोवायरस होगा, कैंसर ऑफ मसल यानी सार्कोमा और कैंसर ऑफ मसल सार्कोमा, तो कैंसर ऑफ स्किन, तो कैंसर ऑफ स्किन के लिए कौन सा है, तो कैंसर ऑफ स्किन के लिए हम लोग मेलानोमा टर्म ही दिए थे, एक नाम ही दिए थे स्किन कैंसर को मेलोमा, क्योंकि स्किन में क्या होता है मेलानिन पिगमेंट होता है और उसमें कैंसर होता है मेलानोसाइट में, इसलिए उसको बोलते हैं मेलोमा। क्यों ऐसा, तो स्किन में क्या है मेलानोसाइट है। उसके बाद आइए एंटी एलर्जेंस IgE, एंटी एलर्जेंस क्या कह रहा है IgE, क्यों ऐसा एंटी एलर्जेंस IgE जो है वो एंटी एलर्जेंस है, तो कोलेस्ट्रॉल में कौन सा होता है, यानी एंटीबॉडी का नाम पूछ रहा है आपको, ये हम बताए थे तो कोलेस्ट्रॉल में जो है वह IgA सबसे ज्यादा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल में IgA होता है, क्यों, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल का मतलब आप जानते हो, कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कौन सा, तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब है फर्स्ट लैक्टेशन ऑफ मिल्क। ओके, मलेरिया एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो, तो डेंगू के लिए कौन सा, इंटरफेरन साइटोकाइनिन बैरियर, एसिड इन स्टमक, तो एसिड इन स्टमक वो कैसा काम करता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है, टीयर इन आई फिजियोलॉजिकल बैरियर है, तो स्किन कैसा है, तो स्किन फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपियम मॉर्फिन पेन रिलीफ मेडिसिन है, तो कैनाबिनोइड्स क्या काम करता है, तो कैनाबिनोइड्स जो है वह मैरिजुआना प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ यूरिन। ठीक है, कैनाबिनोइड्स में कौन है, कैनाबिनोइड्स में मैरिजुआना आता है, क्योंकि टोबैको उससे रिलेटेड नहीं है, कोकीन उससे रिलेटेड नहीं है, और एरगोट भी उससे रिलेटेड, एरगोट जो है वो फंगाई से है, टोबैको और कोकीन उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वो स्टिमुलेंट में आते हैं, तो बच गया कौन, मैरिजुआना। उसके बाद आइए WB टेस्ट, एड्स इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, WB का मतलब वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट हुआ, तो विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, विडाल टेस्ट जो है आपको पता होना चाहिए, वो विडाल टेस्ट टाइफाइड 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 तीनों में टाइफाइड का नाम दिया है, सभी टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट।
तो टी वाई पी एच ओ आई डी टाइफाइड के लिए कौन सा, तो विडाल टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम वन कॉलम टू एंड कॉलम थ्री। अब इसको जब आप अच्छे से मैच करेंगे, जैसे इलगोट फंगाई, इलगोट फंगाई जो है वह कहाँ के लिए है, और इरिथ्रोजाइलम टॉप ऑफ ड्राई इनफ्लोरेसेंस ड्राई लीव्स ऑफ लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट, कैनाबिस सटाइवा और ओपियम पॉपी, ठीक है। तो जब आप इसको थोड़ा सा इलगोट फंगाई हमने बताया था परक्यूरियम जो फंगाई है उससे यह रिलीज होता है, तो अगर उसको लेकर के चलेंगे तो पी पी का जो है वो इलगोट फंगाई कहाँ, तो फ्रूट पे होता है, इलगोट रिलीज ऑफ राई, राई आया था ना, इलगोट डिजीज ऑफ राई, तो राई क्या है, फ्रूट है, तो यानी ये फ्रूट से होता है, ठीक। अब आइए एक का तो मिला हमें, तो पी का कौन होगा, तो पी का फोर होगा, ओके। उसके बाद में आइए क्यू, क्यू का क्या कह रहा है, क्यू का कह रहा है इरिथ्रोजाइलम, इरिथ्रोजाइलम ठीक है, अगर ये लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट और ड्राई लीव्स एंड इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट, हाँ इरिथ्रोजाइलम जो है वो यानी वो लीफ से लेकर के तैयार करते हैं, जैसे टी का लीफ से लिए थे। अब आइए कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा जो है वह किससे रिलेटेड है, कैनाबिस सटाइवा जो है वह कैनाबिस सटाइवा टॉप ऑफ ड्राई फ्लावर भी लेते हैं, लीफ से भी तैयार किया जाता है कैनाबिस सटाइवा को, और फ्रूट ठीक है, ओके चारों दिया, दोनों दिया है तो वह हो जाएगा। अभी तक अगर हम सबसे चलें तो इसका आंसर जो है वह हमारा मिलान करने पे सही से वो कौन सा, तो ये 147 का हमारा हो गया तो ए। मैं तो कॉलम वन एंड कॉलम टू, ओके। अब कॉलम वन का, कॉलम वन कॉलम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कॉलम वाले हैं, तो कॉलम वाला क्वेश्चन लगता है कि टफ है, लेकिन कॉलम के क्वेश्चन बनने में चांसेस ज्यादा होते हैं, कि चार में से अगर दो भी आपको याद आ रहा है तो वो आपको आसानी से क्या होता है, फटफट मिल जाता है, आसानी से हमें उसको समझने में सुविधा, आंसर सही होने के चांसेस कॉलम वाले क्वेश्चन में टाइम लेगा आपका, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपके आंसर को सही करेगा। जैसे आप देखो, आप अगर क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे 148 को ही, तो 148 में देखिए कोल्ड, कोल्ड में क्या कह रहा है, कोल्ड कोल्ड किससे रिलेटेड है, तो रिनो वायरस से होता है, निमोनिया। अब जब एक मिल गया तो देखो पी में सब, ए में ए बी सी डी सब में पी में एक दिया है, ओके। अब मिला ये फटाफट हमको देखना है कि क्यू का, क्यू क्या कर रहा है, निमोनिया, निमोनिया का क्या होगा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, दो मिला मुझे। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन डी खत्म हो गया हमारा, अब हमें मिलाना है एक, और देखो अभी तक में, अब आर का देखिए, आर का एच आई वी एड्स, ये एड्स के लिए एच आई वी, तो यहाँ पर आया ऑप्शन हमारा। अब बचा हमारे पास पी और सी, बी और सी, उसके पास एस आई है टाइफाइड, तो टाइफाइड का ये हो गया संभावना टाइफी, तो इसका आंसर भी, तो एक क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन को बनाइए, अगर इसमें भी कुछ डाउट आ रहे हैं तो आप फिर मुझे कॉल कीजिए या फिर मुझे आप व्हाट्सएप करें, मैं इसको फिर से दोबारा देख लूंगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ये हो जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 156, मैच करने के बाद में जो क्वेश्चन नंबर है वह है 156। में क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ए अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन मींस कैंसर, आर कैंसर इज कॉज्ड बाय यूवी। अब इतने सारे दो ऑप्शन दिया, ए एंड आर राइट एंड आर इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इस तरह से जब चलेंगे तो ए इज राइट है लेकिन आर इज रॉन्ग, आर कैंसर इज कॉज्ड बाय यूवी रे, ए एंड आर बोथ आर राइट,
एंड आर इज रीजन फॉर ए, नहीं, ए एंड आर आर राइट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर ऑफ ए। तो इसका आंसर जो है वह 156 का जो है वह ए हो जाएगा। ओके, क्योंकि अनकंट्रोल सेल डिवीजन मीन्स दोनों, यानी ये ए का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर से हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन दोनों जो स्टेटमेंट दोनों जो है वो सही है। द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी डिक्रीज इन ल्यूकेमिया, ओके, नहीं, आर ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर। तो यहां पर डब्ल्यूबीसी का नंबर जो है वो इंक्रीज करने लगता है, न कि डब्ल्यूबीसी का नंबर डिक्रीज करता है। तो ए इज रॉन्ग एंड आर इज राइट। तो यहां पर तो 150 ये कितना हो गया 157 में, यानी कि ये सी, ठीक है। उसके बाद ये आइए, ए बार्बिट्यूरेट इज सिंथेटिक ड्रग विच इज गिव्स प्लेजर बाय टेकिंग बार्बिट्यूरेट आर एड्रेनालिन इंक्रीजिंग ब्लड। हाँ, तो ये आइए, तो ये दो ऑप्शन इसमें भी, ये दो स्टेटमेंट दिया है ए एंड आर। ए एंड आर में जब आप चलेंगे तो इसका देखिए, ए एंड आर बोथ आर राइट, ए एंड आर बोथ आर राइट एंड आर इज नॉट रीजन फॉर ए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आइए, ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग। तो यहां पर ये ए इज राइट और बाय टेकिंग बार्बिट्यूरेट एड्रेनालिन डिक्रीज, एड्रेनालिन इंक्रीज होता है, और ये एड्रेनालिन इंक्रीज इन ब्लड, एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन नहीं, एडीएच एंटी डायुरेटिक हार्मोन वो इंक्रीज होता है। ओके, नहीं, इसका आंसर सी ही होगा। तो यानी यहां पर 158 का भी सी। ए मैक्रोफाज एक्ट एज फैक्ट्री ऑफ एचआईवी मैक्रोफाज कंटिन्यूअसली, ये आप जानते हैं। ह्यूमन इज फर्स्ट होस्ट ऑफ फिलेरिया वॉर्म, और फिलेरिया वॉर्म मीन्स वीवीपैरस। ये पूरा का पूरा जब आपको पूरा कंसेप्ट याद रहेगा तब ये जाकर के ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। विच वन इज राइट फॉर एक्स एंड वाई, आइए क्वेश्चन नंबर 161। ओके, तो विच वन इज राइट फॉर एक्स एंड वाई जो क्वेश्चन है, तो इसमें जब देखेंगे तो एक्स मैरिजुआना इज ऑप्टेन फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा और वाई बाय यूजिंग ऑफ दिस, तो ए एंड वाई बोथ आर राइट एंड वाई इज रीजन फॉर एक्स काइंड ऑफ ड्रग टू क्रिएट डिटेल एंड लेवल ऑफ शुगर राइजेज इन ब्लड। ओके, यस, ये दोनों जो हैं एक्स एंड वाई बोथ आर राइट एंड वाई इज रीजन फॉर एक्स, ये सॉरी यहां पर अब हमें देखने को मिला। तो यहां पर क्यों ऐसा, मैरिजुआना ऑप्टेन फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा ऑप्शन सही है, और बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ ड्रग पीपल गेट डायलेटेड एंड लेवल ऑफ शुगर राइजेज इन ब्लड, ज्यादा शुगर का ब्लड शुगर बढ़ जाता है। अब ये दोनों के एक्सप्लेनेशन भी है और सही है, तो यहां पर ए हो जाएगा। विच वन इज राइट फॉर एक्स एंड वाई, फिर इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपको आ रहे हैं। ओके, तो यहां पर सारे क्वेश्चन जो है वो इस तरह से हैं। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। यहां पर आपको ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट, यानी कि क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो 156 से लेकर के ये कंप्लीट 156 से लेकर के 171 तक ये आपका पूरा का पूरा इस तरह से है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 172 से 172 एक डायग्राम आपको दिया है, और डायग्राम में आपको पूरा साइकिल दिखा करके और आपको इसमें बताना है कि इंडिकेट बाय रीजन ऑफ लेबल्ड एट ए बी सी, इसमें आपको ए बी सी का पूरा जो है वह
लेवल दिखाने के लिए कह रहा है। तो इसका ऑप्शन आंसर जो है वह ए मॉस्किटो, बी एंड सी ह्यूमन। बी इधर है। ओके, साइकिल कौन सा साइकिल कहां पे होगा? तो ये मलेरिया के लिए, तो ए साइकिल जो है वह मॉस्किटो में, बी और सी का पार्ट जो है वह किसमें? तो ह्यूमन में होगा। तो ये आप थोड़ा सा, यानी ए जो है वह किसमें, ए तक का काम मॉस्किटो में, बी एंड सी तक का काम वह ह्यूमन में होगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 173। द लाइफ साइकिल ऑफ एनोफिलिंग मॉस्किटो इन गिवन इन फिगर, सो व्हाट इंडिकेट्स पी फ्रॉम इट। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम आसानी से देख सकते हैं आप इसको, इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिया ही नहीं है। तो ये जो होगा क्वेश्चन, डायग्राम को अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो डायग्राम में जो पी पूछ रहा है वो पी जो है वह, यानी जो दिखा रहा है इंडिकेट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो जायगॉट, जायगॉट डिवाइड करेगा तभी तो अलग अलग बनेगा वो। ये इस तरह से डिवाइड करके दिखाया ना, डिवाइड करेगा तभी तो दो टाइप के गैमेटोसाइट बनेंगे, एक मेल गैमेटोसाइट और दूसरा फीमेल गैमेटोसाइट। तो ये गैमेटोसाइट बन रहे हैं, और गैमेटोसाइट कहां से बनते हैं? जायगॉट से। तो ये 173 के बाद में, नहीं 173 नहीं, ये हम लोगों ने 174 कंप्लीट किया है। विच इज 173 हमारा रिमेनिंग है अभी। तो विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज फ्रॉम द गिवन फिगर, ये भी इजी है। आप आइए अब आगे हम लोग देखते हैं 175। इजी वर्ड हमारा कहने का मतलब ये मत समझना कि हम आपको डेमोलाइज कर रहे हैं। इजी वर्ड हमारा टर्म इस सेंस में है कि ये जो क्वेश्चन है उस वो हमारा नोट से या हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड है, और अगर हम लोग इसका नोट्स का या ये सब चीजों का रिवीजन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका आंसर हमें मिल जाएगा। हम आपको आज इस डाउट का या सोल्यूशन का डिस्कशन करके तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। पहला प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर हमारे वीडियो से मत ढूंढिए, उस क्वेश्चन का आंसर पहले आप खुद अपने नोट्स, अपने बुक ये सबसे ढूंढिए। वो जो आपका मेहनत होगा वो आपको हमेशा क्वेश्चन को याद रखवाएगा, न कि हमारा मेहनत आपको क्वेश्चन याद रखवाएगा। तो ये रेडीमेड हुआ, लेकिन आप जो करके लाएंगे ना, जो आप अपने क्वेश्चन जिसमें डाउट है उसको आप निकालेंगे, वो आपको अपना मेहनत एक्चुअल मेहनत होगा। हमारा काम है आपसे रिक्वेस्ट करना, बाकी फॉलो करना ना करना वो आपकी मर्जी है, इससे ज्यादा हम कुछ सजेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और ये इसमें हमारा कुछ फायदा नुकसान भी नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 175 देखिए। गिव द नेम पी क्यू आर फ्रॉम द गिवन फिगर, ये भी आप कर सकते हैं। गिव द करेक्ट सेंटेंस, हाँ तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडी आर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, क्या ये पैसिव इम्यूनिटी है? तो आप इसमें देखिए कि ये जो पूछ रहा है इसमें कौन कौन से करेक्ट सेंटेंस हैं। तो करेक्ट सेंटेंस फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, दूसरा लैक्टेशन सेक्रेशन ऑफ एलरिस फ्लूड कोलेस्ट्रॉम, उसको लैक्टेशन बोलते हैं हम लोग, और थर्ड हेपेटाइटिस बी मेड फ्रॉम फंगाई, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। हेपेटाइटिस बी मेड फ्रॉम फंगाई नहीं, वो बैक्टीरियल नहीं है, हेपेटाइटिस बी मेड फ्रॉम फंगाई। और हिस्टामिन प्रोड्यूस फ्रॉम हीपेरिन से नहीं। ऑप्शन तो हमें 1 और 2 ही सही मिला है एक्चुअल में अगर देखे तो, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है इसमें कि जो सिर्फ 1 और 2 जो है वो सही हो। हिस्टामिन प्रोड्यूस बाय मोनोसाइट ये, लेकिन यहाँ सॉरी मोनोसाइट नहीं, तो यहाँ पर मास्ट सेल, हिस्टामिन का सेक्रेशन मास्ट सेल से होता है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है।
तो 86 में आप अगर वैसे चलेंगे हम लोग, हमारे पास ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो 176 का पूरी तरह से सही तो नहीं, लेकिन ऐसे अगर लेके चलेंगे तो फर्स्ट सही है स्टेटमेंट, सेकंड भी सही है, और सिर्फ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें फर्स्ट और सेकंड सही हो, थर्ड सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसको कंसीडर, जब थर्ड को कंसीडर करेंगे सही तो आंसर सी, लेकिन सही नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो हम तभी इसको सी लेके चल सकते हैं। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग डिजीज शोन इन फिगर, माइक्रोसोम, ट्राइकोफाइटॉन और ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मो फाइटॉन, तो यहां पर डूइंग डिजीज शोन इन फिगर यानी स्किन डिजीज को दिखा रहा है, तो इस स्किन डिजीज को दिखाने के लिए दोनों हो सकते हैं, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मो फाइटॉन, माइक्रोसोम, ऑल ऑफ दी अबव, यानी 177 में सही से लगाए तो ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव इसमें कर लेंगे, उसके बाद आइए 178 फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई वायरस डेट गिव द नेम ऑफ सुगर इन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड राइबोज डिऑक्सीराइबोज बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ दी अबव। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या दे रहा है, डीएनए थोड़ा सा आपको पढ़ाया हुआ है, मोलिकुलर ये बायो बायो ये आपको डीएनए आरएनए थोड़ा सा डिस्कस किए हुए हैं, वो 11th के चैप्टर में, जिसमें उस यूनिट में है जिसमें सेल और सेल डिवीजन है, चैप्टर का नाम अभी जुबान पे नहीं आ पा रहा है, तो आपको वहां पे बताए हुए हैं कि जिसमें आरएनए होता है उसमें राइबोस शुगर, जिसमें डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, तो ये जो वायरस का स्ट्रक्चर दिया है वो एचआईवी से रिलेटेड वायरस का स्ट्रक्चर दिया है, एचआईवी के वायरस में आरएनए वायरस, इसलिए उसमें राइबोस शुगर, यह स्ट्रक्चर एचआईवी से रिलेटेड है, और एचआईवी में क्या होता है आरएनए, और आरएनए में क्या होता है तो आरएनए में राइबोस शुगर होता है, तो ये आपका हो गया। अब आइए विच काइंड ऑफ ड्रग आर ऑब्टेन फ्रॉम गिवन प्लांट, ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम जो है वो आपका दे रखा है, तो दिस इज द यानी इससे कैनाबिनॉइड से चरस गांजा ये सभी, तो ऑल ऑफ डीज 179 का और 180 वॉट इज देयर एज ए जेनेटिक मटेरियल इन एचआईवी इन एडिशन टू प्रोटीन लेयर, ठीक है, वॉट इज देयर जेनेटिक मटेरियल इन एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो टू चेन कंटेनिंग आरएनए, दो चैन होता है आरएनए का कि एक चैन, अगर डायग्राम भी अगर अच्छे से याद किए होंगे तो आपको ध्यान में रहेगा टू चैन आरएनए, ठीक है, ओके, तो यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। चलिए फिर भी जो डाउट रहे आप सेंड कीजिए, ओके।